कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, यदि आप में एकता है तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा ही नजारा जनपद मैनपुरी में देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना की एक महिला के साथ गांव के ही एक मंचले ने छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत रिपोर्टिंग चौकी पर की गई। वहीं पुलिस ने 11 दिन बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की तो समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर ऐसा काम कर दिखाया कि मंचले को वह दंड दिया कि समाज में उसे नीचा देखना पड़ा। जी हां, छेड़खानी करने वाली महिला के पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि मंचला व्यक्ति बहुत ही दबंग था, वह अन्य और महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका था। दरअसल पूरा मामला जनपदी मैनपुरी के अलाऊ थाना क्षेत्र के इलाहाबाद चौकी क्षेत्र का है, जहां इलाहाबाद निवासी एक महिला जो स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य है, बीते 26 नवंबर को उक्त महिला अपने बकरी पालने के लिए गई थी, तभी एक मंचले ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी तहरीर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने एकत्रित होकर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी इलाहाबाद की में की, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं समूह महिलाओं ने थाना अलाऊ में भी पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपी को पकड़ने की गुहार लगाई, लेकिन मामला ढाक के तीन पात ही रहा। पुलिस की इस कार्यशैली से थक हार कर क्षेत्र की 60 समूह के लगभग महिलाएं एक साथ हुई और 11 दिन बाद आरोपी को घर से पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने वाली ही थी कि तभी वहां के कई बुजुर्ग लोगों ने पंचायत करने की बात कही, तो समूह की महिलाओं ने पंचायत के दौरान उक्त आरोपी को सामाजिक दंड देते हुए समूह की सभी महिलाओं के पैर छूने और कान पकड़कर माफी मांगने की बात की गई। इस पर दोषी युवक ने समूह से जुड़ी सभी महिलाओं के पैर छुए और कान पकड़कर माफी मांगी और कभी भी ऐसी गलती ना करने की कसम खाई, तब कहीं महिलाओं ने उसे माफ कर छोड़ा। नाम क्या आपका? गीता। गीता जी, क्या यहाँ पे घटना हुई थी, क्या पुलिस का रोल रहा जो आप लोगों को एक कदम उठाना पड़ा, आरोपी को सजा दी? जो समूह की दीदी हैं, इनको मतलब छेड़छाड़ी की, तो उसमें हम लोगों ने पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, मतलब शिकायत तो भई है, हम लोगों ने करी है, लेकिन उसके बाद क्या किया आप लोगों ने जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? जब पुलिस ने उनको मतलब उनका पता नहीं लगा पाया तो हमने सब महिलाओं ने मिल के उनको आरोपी को पकड़ लिया। फिर पकड़ के फिर उसने मतलब बड़े बूढ़े उठे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटा लाज रख दो, हमें हमारी तरफ कुछ ध्यान दो, तो हमने उनको सबकी बड़े बूढ़े की बात मान के हमने उनको माफ़ी मांगी, पैर छुए उन लोगों उस आरोपी ने, तो हमने उन लोगों को माफ़ी। किस तरह से आपने ऐसा किया? आपने एक अदालत लगाई महिलाओं की, कितनी महिलाएँ, काफ़ी महिलाएँ इकट्ठा हो रही, 60 महिलाएँ थी, 60 महिलाओं के बीच में उसने कान पकड़ के माफ़ी मांगी, ऐसा अब अगले कदम ऐसा नहीं उठाएंगे। और भी बहलाओं साथ कर चुका है ऐसा? हाँ, तीन बार, तीस चौथा केस था उसका ही। चौथा क्या घटना आपके साथ हुई थी? बकरी लेने आया, मैंने उसको बकरी खोल के पकड़ा दी और मैं अपने भैंस के ऊपर झूल डालने लगी और उसने मेरे को एकदम घुफियाया और मेरे गाल फाल नोचे, सीना पे हाथ डाल दिया और मैं रोने लगी, वह भाग गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कि आपने पुलिस में शिकायत की मामले? हाँ जी सर, करी शिकायत, उन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं करी, 10-12-15 दिन हो गए, कोई शिकायत नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कदम उठाया आप लोगों ने? मैंने सभी महिलाओं से मिलके उनको ढूंढवाया और मैंने उन्हें माफ़ी मांगी, गलती महसूस की, बड़े बूढ़े लोग थे, उनका मैंने सम्मान किया, इसलिए मैंने उनको माफ़ी दी। अच्छा, पुलिस की वजह से आपको ऐसा करना पड़ा कि काफ़ी महिलाओं को इकट्ठा करके एक अदालत लगानी पड़ी और उसके बाद आप लोगों ने भी सजा सुनाई? मैंने महिलाओं को इकट्ठा किया अदालत से सर। नाम क्या आपका? सुनीता देवी। अच्छा सुनीता जी, ऐसा क्या यहाँ पे हुआ, छेड़छाड़ की घटना हुई थी और जो आप लोगों को खुद अदालत लगानी पड़ी महिलाओं को इकट्ठा करके और आरोपी को एक सजा दी, उससे माफ़ी मंगवाई गई, किस तरह से क्या हुआ? सर वो यहाँ बकरी लेने आया, इन्होंने रात में हमको बताया तो इन्होंने 100 नंबर पर भी फ़ोन किया तो 100 नंबर वाली ने आके कुछ भी नहीं बताया, कुछ किया ही नहीं जी। तो हमने सुबह समूह की महिलाओं को इकट्ठा करके चौकी पर गई, वहाँ मैंने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखा के और 10-11 दिन मैंने उनका इंतज़ार किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम सभी समूह की महिलाओं ने इकट्ठे होकर के उसे पकड़ के और उसके बयान लिए, तो उसने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के और कहा कि हम आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। एक बार तो मैंने सर गांव के बूढ़े बाड़ों के सम्मान करके उसको एक बार छोड़ दिया,
अब दूसरी बार अगर ऐसा काम करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि अन्य महिलाओं के साथ भी इस तरह की कई वारदातों को वो कर चुका था। हाँ सर, 3-4 बार ऐसा काम हो गया था गांव में, मगर हमारी समूह की महिला थी इसलिए हमने ऐसा किया है। अच्छा, पुलिस ने आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी की नहीं थी? की अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए आपको कदम उठाना पड़ा। एक बार गई थी सर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।